हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की सॉरी बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर किसी को वीकली एनालिसिस वॉच करनी हो तो वीकली एनालिसिस मैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी की इकट्ठी अपलोड कर चुका हूँ और निफ्टी की डेली एनालिसिस भी डाल चुका हूँ, जहाँ पर मैंने लेवल्स भी दिए हैं। और ये लेवल्स मैं सारे सोशल मीडिया पर डाल दूंगा मंडे ओपनिंग से पहले पहले, ठीक है। और हम लोग ने फ्राइडे के लिए कोई एनालिसिस नहीं करी थी। रीज़न सिंपल सा था कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक रिवर्सल भी आ सकता, दूसरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी थे, ठीक है, दोनों ही बातें थी। तो मैंने वीडियोस छोड़ दी थी, मैंने उस दिन कोई एनालिसिस नहीं करी। मैंने खुद पर्सनल लेवल पे ट्रेड अवॉइड करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी जो ट्रेड मिला मैंने लिया। और मैंने निफ्टी में भी बताया कि आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था, इवन लेवल्स ना होने के बावजूद भी किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में एक जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हुई है, बट ये जो सपोर्ट था, दिस वाज द सपोर्ट 46,740, जो कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था। उसके नीचे भी सपोर्ट है 46,670-80। ये सारे सपोर्ट जो है ना अभी होल्ड है। क्या बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा या सपोर्ट्स को ब्रेक करते हुए नीचे चला जाएगा? सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बुल मार्केट है, सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन रिवर्सल बना है तो हो सकता है कि फॉल भी आए, तो हमें दोनों साइड की तैयारी करनी है हमेशा की तरह। लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे को शुक्रवार के दिन फ्राइडे को क्या प्राइस एक्शन बना और क्या वो बुलिश है, क्या वो बियर है, तो हमें किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए था, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह, ठीक है, राइट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। देखिए 9:15 की ये कैंडल है, 9:15 सॉरी दिस इज नॉट द, हाँ ये 9:15 की ही कैंडल है फ्रेंड्स, 9:15, ठीक है, ये 9:15 की कैंडल है। मैंने उसमें मार्क नहीं करी थी, ठीक। हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए थे और हमें उस हिसाब से किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था, उसके लिए मैं हमेशा की तरह आप लोगों के सामने लेवल्स निकाल लेता हूँ। सॉरी मैंने ये लेवल्स तो दिए ही नहीं थे तो मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग हुई थी 47,090 के आसपास ओपनिंग हुई थी और 46,930 का लो बनाया था और 46,970 पे क्लोज हुआ, ठीक है। अब देखिए दिस वाज द रेजिस्टेंस, ठीक। अब आपको ये दिख रहा है कि ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है, ठीक। इस रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट करके इस रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट मिला है, वो ब्रेकआउट कहाँ मिला है हमारे को? वो ब्रेकआउट मिला है हमारे को ये जो 9:40 की कैंडल है 47,100। तो बट ऑब्वियसली कोई भी ट्रेडर होगा उसने लॉन्ग पोजिशन बनाई होगी 47,100 और 46,960 के नीचे का लगाया होगा स्टॉप लॉस और 140 पॉइंट के लिए ट्रेड लिया होगा, ठीक है। तो 47,240 तक का टारगेट बनता है, एग्जैक्ट 47,245 का हाई बनाया। उसके बाद बाजार ने सॉरी तबीयत खराब है फ्रेंड्स, तो 47,245 का हाई बनाया और टारगेट अचीव किया, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेडिंग पे ध्यान रखिए। और अब फिर ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन हो गई क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया। अब ब्रेकडाउन जब दिया फ्रेंड्स तो 46,990 पे हुआ। अब आपको पता है 46,990 पे जब आप ट्रेड ले रहे हो, 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 250 पॉइंट के लिए ट्रेड लेना ही लेना है, तो 46,700-750 तक के आसपास तक का टारगेट बनता है बड़ी इजीली। ये यहाँ पे 1:15 की जो कैंडल है यहाँ पर अचीव हुआ, उसके बाद बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करके क्लोज हो गया। तो हमारे दो दो ट्रेड मिले हमारे को बैंक निफ्टी में, एक लॉन्ग साइड भी ट्रेड मिला और एक शॉर्ट साइड भी ट्रेड मिला, ठीक है। इवन विदाउट एनी लेवल्स आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं कि हाँ क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बाजार कहाँ से एग्जैक्टली घूम रहा है, अगर आप उस चीज की तरफ ध्यान लगाएंगे तो आपको जो ट्रेड है ना वो मिलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि भाई यहाँ से घूमा है, वहां पे आप देख लीजिए कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं है, आपको दिख गया सीधा सीधा एक रेजिस्टेंस जोन था वहां पे, वहीं पे खुला है और वहीं से सीधा रिवर्सल आया, क्योंकि रिवर्सल बिना रेजिस्टेंस जोन के रेयरेस्ट आएगा। अगर आएगा बीच में तो कहीं आएगा तो फिर वो पुल बैक देके वापिस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम 15 मिनट चार्ट पे मूव करते हैं, देखते हैं कि अब हमारे को कैसे ट्रेड करना है सोमवार को। तो देखिए सोमवार के लिए ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक है, लेकिन मैंने बोला कि अभी नीचे सपोर्ट भी है, तो सपोर्ट जो है हमारे लिए कहाँ आता है, 46,690 से 720 के आसपास आता है। अगर वो ब्रेक हो गया
तो 46,580 यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, 46,550 के आसपास के लेवल को अगर ब्रेक कर गया तो फिर 40,430 से लेके 40,370 तक के जोन को टेस्ट कर सकता है, जो कि यहीं कहीं पे आता है करीब करीब। ठीक है, तो बाजार यहाँ पर आ जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा अगर कोई गैप डाउन होता है या फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो ध्यान रखिएगा कि हमारे को शॉर्ट करना है। अगर बाजार ऊपर की तरफ निकलता है और 40,970 के ऊपर निकल जाता है, ठीक, ये तो 960 है तो 10 पॉइंट ऊपर 970 के ऊपर निकल जाता है तो टारगेट बनता है 47,070 तक का। फिर 47,100 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी ऊपर के ब्रेकआउट की, तो फिर 47,240 और 320 से 360 तक का दो टारगेट बन जाएंगे, या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो राइजिंग ट्रेंड लाइन उस वक्त बिना ब्रेक हुए अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा। ठीक है, तो और ये अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है तो गैप अप में ध्यान रखिएगा कि 46,960 के ऊपर गैप अप हो रहा है, वहां पे टिक रहा है, तो फिर हमारे को 960 970 के ऊपर 47,070 तक का 100 पॉइंट का एक ट्रेड मिलेगा। फिर थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा, 47,100 चाहे आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही निकलने दीजिएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो ट्रेड ले लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि जो पैटर्न बनता है, पैटर्न उस पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट मिले तो उस पैटर्न के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप इजिली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमेशा ट्रेड मिलता है वैसे सोमवार भी मिलेगा, डू नॉट वरी, पैटर्न जरूर बनेगा और हम उस हिसाब से ट्रेड भी लेंगे। ठीक, तो वीकली एनालिसिस वॉच करनी हो जाके वॉच कर लीजिएगा चैनल के ऊपर, निफ्टी डेली की एनालिसिस वॉच करनी हो वो कर लीजिएगा, बैंक निफ्टी की। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।